आज मैं आप लोगों के साथ पनीर भुर्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है, बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही झटपट, घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट के हेल्प से बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी, और जिसे हम बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, साथ में हस्बैंड के लंच बॉक्स में बहुत ही ईजिली इसे पैक करके भी दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीब 200 ग्राम पनीर लिया है। आधे पनीर को मैंने मैश कर दिया है रफली, और आधे पनीर को मैंने छोटी छोटी से क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ का टमाटर और एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे बारीक कट कर लिया है तीनों चीज़ों को। यहाँ पर 6 से 7 कलियाँ लहसुन की, उसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और 2 यहाँ पर हरी मिर्च बारीक कट करके इसे हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा का इस्तेमाल कर रही हूँ, और कुछ ड्राई मसालों का इस्तेमाल करूँगी, उसे भी मैं आगे आपके साथ शेयर करती चली जाऊँगी। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल डाल करके इसे हम गर्म कर लेंगे। और जैसे ही तेल गर्म हो जाती है, मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है। यहाँ पर जो बारीक कटे हुए लहसुन और मिर्च थी, उसे भी मैंने शामिल कर दिया। 8 से 10 पत्तियाँ कड़ी पत्ता की इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज, उसे भी शामिल करके हम इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसे चला लेंगे, ताकि ये हल्का सा प्याज जैसे हमारा नरम हो जाता है, देन हम इसमें बारीक कटा हुआ जो शिमला मिर्च था, उसे हम शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद मुश्किल से हम 2 से 3 मिनट तक इसे हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसकी क्रंचीनेस बनी रहे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। और फिर इसमें हम टमाटर को ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद फिर हम करीब 1.5 से 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर यूं ही चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच धनिए का पाउडर, इन सारे ड्राई मसालों को हम डाल करके करीब 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम इसमें जो पनीर हमने मैश करके और बारीक कट करके डाला था, रखा था, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। पनीर डालने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, क्योंकि लो टू मीडियम फ्लेम पर क्या होगा कि पनीर से पानी छोड़ देता है। तो हाई फ्लेम पर हम करीब 4 से 5 मिनट तक पनीर को अच्छे से इसी तरीके से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमारे मसाले के साथ पनीर मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें 1 चम्मच भुने हुए ज़ीरा का पाउडर और 1 चम्मच गर्म मसाले का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स, जिसे कि भुना हुआ जो लाल मिर्च का पाउडर होता है, कुटी लाल मिर्च का पाउडर, वो हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद पनीर के साथ बहुत अच्छे से हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। आखिर में हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया को ऐड कर देंगे। हरे धनिया से इसकी टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और ये हमारी पनीर भुर्जी अब बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम वक्त में बनने वाली, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। जब कभी भी वक्त कम हो और लेकिन कुछ मज़ेदार सा बनाने का मन हो, कुछ मज़ेदार खाने का मन हो, तो उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है, पनीर भुर्जी की रेसिपी। ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें, बहुत ही आसान से बनने वाली है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, उसे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में शेयर करें। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।